सपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव के आह्वान पर सपा के कार्यकर्ता सोमवार को एक बार फिर सड़क पर उतरे। इस बार उनका लक्ष्य विभिन्न समस्याओं से संबंधित 22 सूत्री मांगों का राज्यपाल को संबोधित ज्ञापन जिलाधिकारी को सौंपना था। इस आंदोलन के लिए बंशी बाजार स्थित लोहिया भवन कार्यालय पर सुबह 9 बजे से ही सपा नेताओं और कार्यकर्ताओं के पहुंचने का क्रम शुरू हो गया। 11 बजे तक बड़ी संख्या में सपाई वहां पहुंच गए। इन्हें ज्ञापन देने जाने से रोकने के लिए कार्यालय का मुख्य गेट पुलिस छावनी में तब्दील कर दिया गया था। इसके अलावा जिलाधिकारी कार्यालय के आसपास कई स्थानों पर बैरिकेडिंग भी की गई थी। सोमवार को जब सपा का आंदोलन शुरू हुआ तो भारी संख्या में पुलिस फोर्स देख एक बारगी लगा कि कार्यकर्ता सफल नहीं हो पाएंगे। गेट पर ही इतनी पुलिस थी कि सपा कार्यकर्ता ऑफिस में नहीं जा पा रहे थे। तब सपा जिलाध्यक्ष रामधारी यादव ने सदर सीओ ओजस्वी चावला और कोतवाल दिलीप सिंह से बात कर सपा कार्यकर्ताओं को दफ्तर में आने देने के लिए कहा। इसके बाद सपा के कार्यकर्ता अपने कार्यालय में जाने लगे। इस बीच लगातार भाजपा सरकार के खिलाफ नारेबाजी जारी रही। दोपहर 12 बजे के करीब जंगीपुर विधायक डॉक्टर वीरेंद्र यादव और पूर्व सांसद राधे मोहन के साथ सैकड़ों सपाजन हाथों में झंडा लिए और नारेबाजी करते हुए कार्यालय से निकलते हुए मुख्य गेट की तरफ बढ़ने लगे। बैरिकेडिंग के पास पुलिस और सपाइयों में तीखी झड़प शुरू हो गई। सैकड़ों कार्यकर्ता ज्ञापन देने जाने की जिद पर अड़े रहे और बलपूर्वक बैरिकेडिंग को हटाने लगे। इसी बीच सदर सीओ ने विधायक डॉक्टर वीरेंद्र यादव को धक्का दिया, जिसके बाद कार्यकर्ताओं की भीड़ सीओ को घेर कर धक्का मुक्की करने लगी। आखिरकार पुलिस और कार्यकर्ताओं की बातचीत शुरू हुई। सपाजन इस जिद पर अड़े रहे कि या तो जिलाधिकारी ज्ञापन लेने के लिए बाहर आए या फिर सभी ज्ञापन देने जाएंगे। इस मांग को लेकर सपा कार्यकर्ताओं ने गाजीपुर वाराणसी मार्ग पर आवागमन ठप करा दिया। इस दौरान विरोध में दर्जनों काले गुब्बारे भी उड़ाए गए। मामले की गंभीरता को देखते हुए सदर SDM प्रभाष कुमार वहां पहुंचे और उन्होंने ज्ञापन लिया। इसके बाद आवागमन फिर से शुरू हो सका। समाजवादी पार्टी के इस आंदोलन में पूर्व सांसद जगदीश कुशवाहा, पूर्व जिलाध्यक्ष राजेश कुशवाहा, विवेक सिंह शम्मी, सुधीर यादव बब्बू, सदर विधानसभा अध्यक्ष तहसीन अहमद, सदानंद यादव, जंगीपुर विधानसभा के अध्यक्ष राजेंद्र यादव, जिला महासचिव अशोक बिंद, मीडिया प्रभारी अरुण कुमार श्रीवास्तव, जिला उपाध्यक्ष निजामुद्दीन खान, जिला उपाध्यक्ष कन्हैया लाल विश्वकर्मा, आमिर अली, अतीक अहमद रायनी, सत्येंद्र यादव सत्या, अभिषेक यादव, रामवचन यादव प्रधान, सदानंद कन्नौजिया चौथी यादव, अमित ठाकुर, डॉक्टर समीर सिंह समेत सैकड़ों नेता कार्यकर्ता उपस्थित रहे। ऐसे ही और भी खबरों के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को जरूर दबाएं।